हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू रोमांस क्लासेस। हमने लास्ट लेक्चर में 4 चैप्टर स्टार्ट किया था, आज से कुछ और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। क्वेश्चन गिवन है 2x - y + 3z = 3। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, दे आर 3 लीनियर इक्वेशंस। देन आपको उसको सॉल्व करना है और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने कैसे सॉल्व किया था इसको लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनानी होती है, वहाँ से हम एकेलन फॉर्म में चेंज करते हैं, देन हम रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स उस पर डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आता है या फिर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या था? अगर इक्वेशन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल आता है, देन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, मतलब हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर दोनों का रैंक नॉट इक्वल आ जाएगा तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमने इसको चेंज किया था ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में, वेयर ए इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द कॉफिशियंट्स, यानी ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, यहाँ से डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर ए मैट्रिक्स कॉफिशियंट ऑफ दिस 2 - 1 - 3 एंड यहाँ पे W 0 है तो ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट इज 1 - 2 - 1 - 5 एंड हेयर 1 - 3 - 2 - 7। X क्या होता है? X इज अ मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, यानी कि वेरिएबल्स X, Y, Z एंड W, चार वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, और बी मैट्रिक्स क्या होती है जो इक्वल में नंबर आते हैं 3, 4, 5, दिस इज़ द मैट्रिक्स बी। हमने इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। नाउ हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स रिफॉर्म करनी है, कैसे बनाते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स? दिस इज़ द मैट्रिक्स ए 2 - 1 - 3 - 0, ए मैट्रिक्स बी के साथ आर्गुमेंट कर रही है, मतलब हमें इन वेरिएबल्स को लेना है 3, सेकेंड रोल निकाल के आएगी हमारे पास +2 - 1 - 5, दिस इज द 4 - 1 - 3 - 2 - 7 - 5। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। अब हमें इसको सॉल्व करना है और एकेलन फॉर्म में रिड्यूस करके रैंक फाइंड आउट करना है। ठीक है, एकेलन फॉर्म में क्या होता है कि लीडिंग एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए, तो हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, R2 इंटरचेंज बाय R1। तो फर्स्ट को सेकंड रो में इंटरचेंज कर दीजिए और सेकंड को फर्स्ट रो में 1 - 2 - 1 - 5 - 4, सेकंड रो 2 - 1 - 3 - 0 - 3 एंड थर्ड इज अ 1 - 3 - 2 - 7 - 5। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, लीडिंग एंट्री के अब इस फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एंट्री से नीचे जितने भी नंबर होते हैं उनको हमें 0 बनाना होता है। ठीक है, ये हमारी एकेलन फॉर्म है जो हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम R2 - 2R1। यहाँ पे 0 बनाएंगे तो R1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे एंड R3 - R1, R3 और 1 को माइनस करेंगे, देन रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी इज फर्स्ट रो इज एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दीजिए 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, -1 - 4 इज -5, देन 3 + 2 - 5 और 0 - 10 - 10 हो जाएगा, 0 माइनस करेंगे तो -- इज +, और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 8 इज -5। नेक्स्ट इज 3 - 4 - 2। ठीक है, फिर हम करते हैं माइनस, थर्ड में से फर्स्ट रो माइनस करेंगे 1, दिस इज अ -1 एंड -7 - +, ये आ जाएगा -2 और 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। ठीक है, नाउ सेकंड रो में से 5 कॉमन निकाल लेते हैं, सेकंड रो
1/5 R2, यानी R2 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, 2, -1, -5, 4, 0, -1, 1, 2, -1, 0, 1, -1, -2 and 1. ठीक है, अब देखिए दो रो हमारे पास, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सब जगह जीरो आ जाएगा, तो R3 में चेंज करेंगे R3 + R2, तो A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, 2, -1, -5 and 4, 0, ये एज इट इज़ रहेगी सेकेंड रो भी। और थर्ड में देखिए माइनस करोगे ये तो जीरो ही है, -1 and 1 इज ऐड कर रहे हैं हम इनको, ठीक है, इसको ऐड करोगे ज़ीरो, यहाँ पे ऐड किया दिस इज ऑल्सो ज़ीरो एंड ये ज़ीरो, ओके। अब यहाँ पे इससे आगे हम कोई जीरो नहीं बना सकते, तो यहाँ से चेक कीजिए, इसमें अगर हम देखते हैं तो ए मैट्रिक्स किसकी इक्विवेलेंट आती है, इसमें से ए मैट्रिक्स निकालते हैं तो कौन सी होती है, जो हम लास्ट वाले कॉलम को यानी जो हमने बी की वैल्यू ली थी ना उसको अगर हम छोड़ देते हैं इस कॉलम को, तो ये हमारी ए मैट्रिक्स होती है। ए मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी 1, 2, -1, -5, 0, -1, 1, 2, 0, 0, 0, ये हमारी ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स, इसी पर डिपेंड करता है हमारा सॉल्यूशन। रैंक ऑफ ए आर्गुमेंट बी, इस कंप्लीट मैट्रिक्स में अगर हम चेक करते हैं देर आर 2 नॉन जीरो रोज, क्योंकि थर्ड रो कंप्लीट जीरो है, तो यहाँ पे 2 नॉन जीरो रो है तो रैंक कितना आ जाएगा 2। एंड रैंक ऑफ ए अगर हम देखें तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिस इज, तो ये हमारी एक पूरी की पूरी नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो हमारे पास बच गई 2, दिस इज ऑल्सो 2, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी व्हिच इज इक्वल टू 2 लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन का मतलब जो वेरिएबल आपको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 4 है और रैंक कितना आया 2, ठीक है, तो ये 2 हमारे लेस देन हो गया 4 से, तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, सबसे पहले तो देखिए क्या आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, तो सोल्यूशन पता चलता है हमें रैंक से, अगर दोनों का रैंक इक्वल आता है, मैट्रिक्स ए एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का रैंक इक्वल आता है, देन दीज इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है, और कंसिस्टेंट है तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो देखिए, एज रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देन सिस्टम ऑफ equations is consistent and rank of this augmented matrix less than, ये हमारे पास आया है 2 which is less than equal to 4, 4 is the number of unknowns, number of unknowns, ठीक है, अगर ये से less आता है then there are, क्या कंडीशन आई थी, देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं, चार में से जो हमारे पास चार वेरिएबल थे एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ये एक्स मैट्रिक्स थी, यहाँ पे चार वेरिएबल हैं, ठीक है, रैंक हमारे पास 2 आया है, चार में से 2 जितना भी रैंक, जितने भी अननोन होते हैं और उसमें से हम रैंक माइनस कर लेते हैं, 4 - 2 = 2, देर आर 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, यानी कि ये हम 2 अज्यूम करके चलेंगे, लेट जेड इक्वल टू K1, डब्ल्यू इक्वल टू K2, तो यहाँ से हमें 2 को अज्यूम करके चलना पड़ेगा, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स में से रैंक माइनस कर लेते हैं, अगर यहाँ पे 1 आता है तो हम 1 को अज्यूम करते हैं, अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो हम 2 को लेके चलेंगे, ठीक है। अब इक्वेशंस कैसे बनानी है, ऑगमेंट मैट्रिक्स पे आ जाइए वापस, यहाँ से इक्वेशन बनाइए, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, सेकेंड को वाई से, थर्ड को जेड से कॉलम को, ठीक है, फोर्थ को डब्ल्यू से, और फिर इनको मल्टीप्लाई करके हम रो वाइज ऐड करके इसको इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे बनाएंगे हम x into 1,
is x plus 2y minus z minus 5w equal to 4. Equal to 4, this is. Okay. Next is 0 into x is 0 jayega. Minus y plus z plus 2w equal to minus 1. तो दो इक्वेशन आएंगे हमारे पास, दो की वैल्यू हमें पता है, हम लेके चले हैं, तो यहाँ से वैल्यूज रख दीजिए, z की और w की वैल्यू रख के y की फाइंड आउट कर सकते हैं. तो माइनस वाई इज इक्वल टू z इज k1 प्लस ए प्लस 2w इज k2 इक्वल टू माइनस 1. y को इधर ले जाइए, 1 को इधर ले आइए, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस k1 प्लस 2k2. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. सेम टू सेम हम x के निकाल सकते हैं वैल्यूज, ये इसमें पुट कर देंगे हम. स्टार इक्वेशन ले लीजिए, तो y की वैल्यू z की और w की इसमें पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू, इसको राइट साइड पे लेके जाते हैं, 4 माइनस 2y. 2y मीन्स सारे माइनस के हो जाएंगे, माइनस k1 माइनस 2k2, ये प्लस का हो जाएगा राइट साइड पे जाके, प्लस z की वैल्यू है k1 और माइनस 5 इधर आके प्लस का, w की वैल्यू है k2. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x इज 5 माइनस 1 इज 4, k1 से k1 कैंसिल. अच्छा यहाँ पे और भी है, 4 भी है, 5 4 4 इज 8 और k2 में से माइनस k2, ये वैल्यू आ जाएगी x की. तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है. अगर यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का उसका है, और नो सॉल्यूशन का भी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द सिस्टम, ये सिस्टम आपके पास गिवन है a इंटू एक्स इक्वल टू बी, हैज़ अ नो सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन. तो कहता है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन आएगा, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन ना निकल के आए और यूनिक सॉल्यूशन आ जाए. तो इसको हम चेंज करते हैं, सबसे पहले हम इसके आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं, ए आर्गुमेंट बी. ये सिस्टम हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा, ए एक्स इक्वल टू बी के. तो ए मैट्रिक्स दिस इज एक्स दिस एंड बी मैट्रिक्स दिस. तो बनाते हैं यहाँ से, माइनस वन टू वन थ्री माइनस वन टू जीरो वन लैम्डा वन वन एंड वन. नेक्स्ट इज हम एकेलन फॉर्म में चेंज करते हैं, लीडिंग एंट्री वन होनी चाहिए, तो हम माइनस को रिमूव करेंगे सबसे पहले. तो आर वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स हमारी चेंज हो जाएगी, वन प्लस का हो जाएगा, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस टू माइनस वन माइनस वन थ्री माइनस वन टू, ये एज इट इज रहेंगे. नाउ यहाँ पे जीरो बनाते हैं, हम एकेलन फॉर्म में चेंज करते जाएंगे इसको हम. तो आर टू माइनस थ्री आर वन, दिस इज इक्विवेलेंट इज वन माइनस टू माइनस वन. यहाँ से हमने थ्री से मल्टीप्लाई किया, दिस इज ज़ीरो. यहाँ से हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, आर टू माइनस थ्री आर वन, तो यहाँ से ज़ीरो माइनस वन प्लस सिक्स हो जाएगा फाइव, टू प्लस थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़ फाइव एंड वन प्लस थ्री इज फोर, और लास्ट रो हमारे पास आ जाएगी एज इट इज़, ठीक है. ना हमें यहाँ पे वन बनाना है, तो सेकंड रो की लीडिंग एलिमेंट, क्योंकि तो जीरो रहेगा अकेलन फॉर्म में, नेक्स्ट एलिमेंट हमें वन बनाना होता है, तो हम इसको फाइव से डिवाइड कर लेते हैं. तो यहाँ से हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, आर टू वन बाय फाइव इंटू आर टू, तो ये रिड्यूस हो जाएगी, वन माइनस टू माइनस वन माइनस वन, ज़ीरो वन वन फोर बाय फाइव एंड ज़ीरो वन लैम्डा इंटू वन. नाउ हमें अब ये लीडिंग जो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री है वो वन आ गई है. अब इसके अंडर में जो जितने भी नंबर होंगे उनको हमें ज़ीरो बनाना होता है. तो यहाँ पे ज़ीरो सिंपल सी दिख रही है, आर थ्री माइनस आर टू कर लेते हैं और चेंज आएगा आर थ्री में. तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रही है, वन माइनस टू माइनस वन माइनस वन, ज़ीरो वन वन फोर बाय फाइव, दिस इज़ ज़ीरो. हमने इसमें से ये माइनस किया तो ज़ीरो, लैम्डा माइनस वन
और यहाँ से 1 माइनस 4 बाय 5 इज अ 1 बाय 5, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ जाती है। अब यहाँ से हमें चेक करना है, कहता है कि लैम्डा की वैल्यू क्या रखें कि हमारे पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, नो सॉल्यूशन हमारा कब आता है, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास नो सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन कब आती है, जब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आती है, तब हमारा सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता है, यानी हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अगर हम इस मैट्रिक्स में चेक करते हैं तो यहाँ से देखिए ए मैट्रिक्स किसके इक्विवेलेंट है, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो ये हमारी ए मैट्रिक्स निकल आती है। लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो ए मैट्रिक्स कंप्लीट थर्ड रो मैट्रिक्स ए की 0 हो जाती है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ए मैट्रिक्स निकालती हूँ, ये इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 -2 -1 के, 0 1 1 0 0 लैम्डा माइनस, ठीक है। अब हम लैम्डा की कंडीशन इस पर चेक करते हैं वैल्यूज पे। केस फर्स्ट इज इफ़ लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाए, अगर हम लैम्डा की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो यहाँ से क्या कंडीशन आई, ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी दिस इज इक्वल टू 1 -2 -1 एंड सेकेंड रो और थर्ड रो आ जाती है हमारे पास 0 1 बाय 5, समझ गए। अब यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो यानी लैम्डा की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 ले ली, इसका मतलब ए मैट्रिक्स हमारे पास इसके इक्विवेलेंट आ गई है, ठीक है। अब रैंक ऑफ ए चेक कीजिए, यहाँ से रैंक ऑफ ए इज ए 2 एंड रैंक ऑफ कंप्लीट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का चेक करते हैं तो ये नॉन जीरो नंबर है, तो देर आर 3 नॉन जीरो रोज इन आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी इक्वल टू 3 एंड रैंक ऑफ ए इज 2 बिकॉज देर आर 2 नॉन जीरो रोज इन मैट्रिक्स ए, रिमूव दिस कॉलम, ठीक है। देन नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा की क्या वैल्यू आई, लैम्डा इक्वल टू 1 अगर मैंने लिया देन देर इज अ नो सॉल्यूशन बिकॉज रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी देन देर इज अ नो सॉल्यूशन। अब हमें बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, दोनों मैट्रिक्स का रैंक इक्वल होना चाहिए, आर्गुमेंट मैट्रिक्स एंड ए मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम लेते हैं केस सेकेंड, सेकेंड केस में लैम्डा नॉट इक्वल टू 1, अगर लैम्डा 1 के इक्वल नहीं होगा तो ये नंबर जो हो 0 नहीं बनेगा, और 0 नहीं बनेगा तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो यहाँ पे निकल के आई थी दिस इज़ अ लैम्डा माइनस 1, अगर ये 1 के इक्वल नहीं है तो दिस नंबर इज़ अ नॉन जीरो, और अगर ये नॉन जीरो नंबर है देर आर 3 नॉन जीरो रोज तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ अ 3। तो यहाँ से सेकेंड केस में लेते हैं लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स भी विच इज इक्वल टू 3 एंड देर आर 3 अननोन्स इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, देन यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई हमारे पास। और यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से इक्वेशन बनाइए x -2y -1 = -1, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 0 इज 0 y प्लस z इक्वल टू 4 बाय 5 एंड लास्ट इज z इज इक्वल टू, क्योंकि x और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएंगे, z इंटू लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय 5, ठीक है। तो z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 बाय 5 इंटू लैम्डा माइनस 1 डिवाइड में ले जाएंगे, z की वैल्यू पुट कीजिए सेकेंड में y की वैल्यू आ जाएगी, और y और z की पुट कीजिए इस इक्वेशन में तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है अगर कंडीशंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द इक्वेशंस, ये इक्वेशन है उसके पास 3 इक्वेशंस गिवन है, हैव ए सॉल्यूशन एंड सॉल्व देन कम्प्लीटली इन ईच केस, मतलब ये बता रखा है कि यहाँ पे लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये जो सिस्टम है इक्वेशंस का दिस इज़ अ कंसिस्टेंट, तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कम्प्लीट सॉल्यूशन निकालना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में लेके चलते हैं, इसको आप बना लेना, मैं डायरेक्ट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना रही हूँ, ए आर्गुमेंट मैट्रिक्स बी, ए मैट्रिक्स क्या होते हैं कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स 1 1, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो बी मैट्रिक्स जो राइट साइड पे नंबर होते हैं 1, दिस इज़ अ 1 2 4 लैम्डा 1 4
tan एंड lambda square. ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास augmented मैट्रिक्स इनटू अकेलन फॉर्म. लीडिंग एंट्री हमारे पास 1 ऑलरेडी है तो हम इनको 0-0 बनाते हैं. देन R2 माइनस R1 एंड ऑपरेशन नेक्स्ट अप्लाई करते हैं R3 माइनस R1. यहाँ से सॉल्व करते हैं. ए augmented मैट्रिक्स B इज इक्वल टू वन 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 फर्स्ट रो. सेकेंड को हमने R1 में से माइनस करना है 0. 2 माइनस 1 इज़ अ 1. 4 माइनस 1 इज़ अ 3. दिस इज लैम्डा माइनस 1 और इसमें से माइनस करेंगे तो 0. 4 माइनस जैसे 3 1 और 10 में से 1 9 और लैम्डा स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. अब हमें इस नंबर को 0 बनाना है बिकॉज दिस इज़ अ लीडिंग सेकेंड रो भी. ये हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 है तो इसके अपॉन जितने भी नंबर होते हैं नीचे वो सारे 0 होने चाहिए. तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम R3 माइनस 3R2. R2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कर दीजिए. तो यहाँ से हमारे पास अगेन फॉर्म मिल जाएगी. तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी हमारे पास 1 इज द फर्स्ट रो. सेकेंड इज एज इट इज लैम्डा माइनस 1. थर्ड में हमने चेंज किया है सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो 0 एंड यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 और हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 दिस इज. देन इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 लैम्डा प्लस 2. ऑपरेशन अप्लाई किया हमने. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें यहाँ से मिल गई है. अब कहता है कि यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो लैम्डा अगर ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये नंबर नॉन जीरो बनता है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू एगमेंट मैट्रिक्स. बट हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि ये जो नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इज़ अ कंसिस्टेंट, मतलब इनका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं. अगर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं दैट मीन्स इस नंबर को जीरो होना पड़ेगा बिकॉज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू आना चाहिए रैंक ऑफ कंप्लीट एगमेंटेड मैट्रिक्स. ठीक है. तो ये नंबर अगर जीरो बन जाता है देन इसका रैंक आता है 2. यहाँ पे आप लिख सकते हो एज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन है देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स. तो कंप्लीट अगर इनका यहाँ पे अगर हम रैंक ए का चेक करती हूँ तो रैंक ऑफ ए कितना है, यहाँ से रैंक ऑफ ए इज 2 बिकॉज अगर हम इसको हम हटा देते हैं तो यहाँ से तो नॉन जीरो रो बनती है, ये मैट्रिक्स हमारी ए होती है. ठीक है. और अगर हम कंप्लीट अगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, क्योंकि हमें इक्वल गिवन है, इक्वल गिवन कैसे है क्योंकि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. सॉल्यूशन एग्जिस्ट तभी करता है जब इनका रैंक इक्वल होगा. तो ए का रैंक अगर 2 है तो अकेलन मैट्रिक्स का भी सॉरी अगमेंट मैट्रिक्स का भी रैंक 2 होना चाहिए. उसके लिए इस नंबर को 0 होना पड़ेगा. इस नंबर की वैल्यू 0 आएगी. देयरफॉर लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 फॉर रैंक ऑफ ए अगमेंट मैट्रिक्स बी इक्वल टू 2. अगर इसका रैंक हमें 2 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस नंबर को 0 पुट करना पड़ेगा. अगर हम इसको 0 लेते हैं तो हमें लैम्डा की वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ से. तो फैक्टर बना लीजिए, मल्टीप्लाई 2 एडिशन माइनस 3 दिस इज माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0. तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 2. दो वैल्यूज मिल जाएंगे हमें यहाँ से, लैम्डा की वैल्यू 1 एंड 2. तो एक बार हम लेके चलेंगे, फर्स्ट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1. देन हम इसको सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली. लैम्डा की वैल्यू 1 रखते हो, 1 प्लस 2 इज 3 एंड ये 0 आ जाएगा. ठीक है. अगर हम लैम्डा की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ए अगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास आती है. दिस इज 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो इज 1 3. लैम्डा की वैल्यू हमने 1 ली है तो ये नंबर 1 माइनस 1 इज 0 और ये रो हमारी लास्ट वाली 0 हो ही जाएगी. ठीक है. तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम इसको. देर आर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड अगमेंटेड मैट्रिक्स 2 आ रहे हैं. नंबर ऑफ अननोन कितने हैं,
थ्री एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे हमारे पास एक आर्बिटरी कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ अननोन में से रैंक माइनस करते हैं तो वन, तो हम यहाँ से लेके चलेंगे जेड को कोई भी नंबर, जैसे हमने मान लिया कि हमने के ले लिया। तो इक्वेशन बनाइए, यहाँ से इक्वेशन कैसे आएंगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, जैसे फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको वाई से और इसको जेड से, और इक्वल टू दीज कॉन्स्टेंट्स। सेकेंड बन जाएगी हमारे पास वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू ज़ीरो, जेड हमने के ले लिया है, यहाँ पे जेड की वैल्यू रख के हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वाई और जेड की रख के यहाँ पे एक्स की निकाल सकते हैं। सेम टू सेम हमें लैम्डा की वैल्यू टू लेके इसको सॉल्व करना है, लैम्डा इक्वल टू टू पुट करेंगे आर्गुमेंट मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे देखिए लैम्डा इज अ टू इज अ फोर, थ्री इंटू टू फोर माइनस सिक्स प्लस टू, ये नंबर फिर से जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यूज़ के लिए इसका रैंक दो आना चाहिए, बिकॉज इसके जो कंडीशन गिवन थी हमें उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस नंबर, ये नंबर हम जीरो लेके चले थे, तो रैंक इसका फिर से टू आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू टू रख के यहाँ पे टू माइनस वन इज वन। सेम टू सेम आपको इसको सॉल्व करना है, लैम्डा की वैल्यू टू यहाँ पे रख के फिर से दो इक्वेशन आएंगी, वहाँ से आप जेड को फिर से के वन लेके चलोगे, फिर इक्वेशन सप्लाई करोगे यहाँ से और सॉल्यूशन निकालोगे। नाउ इसको हम अकेलन फॉर्म में चेंज करेंगे, तो लीडिंग एंट्री हमारे पास वन होनी चाहिए। अगर हम इसको टू से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन में जाएगा, इसको फाइव से करेंगे तो भी फ्रैक्शन में जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे वन बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ से R2 पे ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ, 2R1, R2 माइनस 2R1, तो 5 माइनस 4 इज़ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई कीजिए और आंसर आता है 1, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 माइनस 2 भी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हमें माइनस करना है, तो 1 माइनस माइनस से प्लस 3, 6, 1, 7 माइनस 6 इज 1, और ये रो हमारे पास आ जाएगी एज इट इज़। अब हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, R2 इंटरचेंज बाय R1, ये अप्लाई करेंगे तो A आर्गुमेंट मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1, 7 माइनस 2 B, 3 और 1, सेकेंड रो फर्स्ट रो में चेंज कर रहे हैं 3, A 1, 3 एंड A, ठीक है। अब इसको हम चेंज, अब हमें क्या करना होता है, वन के अपॉन में जितने भी नंबर होते हैं उनको ज़ीरो बनाना है, ठीक है। तो ज़ीरो बनाने के लिए ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम, फर्स्ट रो को टू से मल्टीप्लाई करके सेकंड में माइनस कर देंगे, तो आर टू माइनस टू आर वन, सेवन माइनस टू बी, थ्री एंड वन, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इसको टू से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 14 माइनस 4b, और इसको b में से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 14 प्लस 5b, और नेक्स्ट इज 6, और माइनस और माइनस 6 इज माइनस 7, एंड 3 माइनस 2 इज 1, a 1, 3 एंड a, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। अब हमें यहाँ ज़ीरो बनाना है, तो R3 माइनस A इंटू R1, फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे हम, तो A आर्गुमेंट मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 7 माइनस 2B, 3, 1, इसको मैंने लिख दिया 5B माइनस 14, सॉरी 14 माइनस 7, 1, एंड लास्ट इज ज़ीरो, ए से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करेंगे और वन में से माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 7A माइनस 2AB, और ये आ जाएगा 3 माइनस, थोड़ा सा इसको आगे करना पड़ेगा, 3 माइनस 7, क्योंकि हमें इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 माइनस 3A, और ये आ जाएगा 1, 1, इसको हमने ए से मल्टीप्लाई किया और a माइनस a इज़ अ ज़ीरो, यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है। ये हमारी बन गई अकेलन फॉर्म। अब हम इसके बाद कोई जीरो नहीं बना सकते। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या दे रखी है, कहता है कि इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट
number of solution. If rank of A not equal, equal rank of argument matrix, consist के लिए हमें equal rank बनाना होता है. और infinite number of solution कब होता है? जब इनका rank आ जाए दोनों का less than equal to number of unknowns. नंबर ऑफ अननोन कितने हमारे पास? एक्स वाई एंड जेड, देर आर थ्री नंबर ऑफ अननोन्स. तो यहाँ से रैंक हमारा टू आना चाहिए. तो रैंक टू आने के लिए लास्ट रो को ज़ीरो बनना पड़ेगा, और इसको ज़ीरो बनाने के लिए हमारे पास क्या आएगा? वन माइनस सेवन ए माइनस टू ए बी इक्वल टू ज़ीरो, एंड थ्री माइनस थ्री ए इक्वल टू ज़ीरो. जब मैं इन दोनों नंबर्स को जीरो ले लेती हूँ, देन रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू टू, व्हिच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा दो इक्वेशंस. इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ से ए की वैल्यू, ए इज अ वन, थ्री ए इधर चला जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पर रखिए. तो वन माइनस सेवन इंटू वन इंटू सेवन माइनस टू बी इक्वल टू ज़ीरो, टू बी इक्वल टू माइनस सिक्स और b इक्वल टू माइनस थ्री. तो b की वैल्यू आ गई थ्री और a की वैल्यू आ गई वन. ठीक है, तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है? जब रैंक इक्वल हो बट लेस देन हो नंबर ऑफ अननोन्स. और नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास कितने हैं? थ्री. दैट मीन्स इनका जो रैंक है वो टू होना चाहिए. अगर टू होगा तो इस लास्ट रो को हमारे पास जीरो होना पड़ेगा. जीरो होगा तो ये दोनों नंबर्स इक्वल टू जीरो आ जाएंगे, इक्वेशंस मिल जाएंगी, वहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं. अभी आप सब फर्स्ट एक्सरसाइज आप इजीली ट्राई कर सकते हो, 4.1 एक्सरसाइज, अब इसको ट्राई कीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.